दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 पर आरसीबी फैंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको आरसीबी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज और रिटेन करेगी, इसके बाद ट्रेड विंडो के जरिए कौन कौन से प्लेयर्स को स्क्वाड में इंक्लूड करेगी और साथ ही साथ आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आरसीबी और आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बिग बैश लीग के सभी मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आरसीबी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी के रिलीज प्लेयर्स के बारे में। तो इस साल मिनी ऑक्शन से पहले आरसीबी की मैनेजमेंट अपने स्क्वाड से 7 बड़े प्लेयर्स को रिलीज करेगी, जहां पर इस लिस्ट के पहले बड़े खिलाड़ी है गुरकीरत सिंह मान, दूसरे प्लेयर है पवन देश पांडे, तीसरे प्लेयर है क्रिस मॉरिस, चौथे प्लेयर है पवन नेगी, पांचवे प्लेयर है उमेश यादव, छठवे खिलाड़ी है इसरो उडाना, वहीं सातवे खिलाड़ी है डेल स्टेन और आठवे खिलाड़ी है पार्थिव पटेल, जिसमें से डेल स्टेन और पार्थिव पटेल ऑलरेडी लगभग संन्यास ले चुके हैं। इसके बाद आरसीबी के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में 12 प्लेयर्स को रिटेन करेगी और इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम है कप्तान विराट कोहली का, दूसरा नाम है देवदत्त पड्डिकल का, तीसरा नाम है एबी डिविलियर्स का, चौथा और बड़ा नाम है आरोन फिंच का, पांचवा नाम है जॉस फिलिपे का, छठवा नाम है मोइन अली का, सातवां नाम है वाशिंगटन सुंदर का, आठवां नाम है शहबाज अहमद का, नौवें खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज, दसवें खिलाड़ी है नवदीप सैनी, ग्यारहवें खिलाड़ी है यजुवेंद्र चहल, वहीं बारहवें खिलाड़ी है एडम जंपा। तो आरसीबी की टीम इन 12 प्लेयर्स को आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन करेगी, वहीं 7 बड़े खिलाड़ी को अपने स्क्वाड से रिलीज करने वाली है। तो ये था आरसीबी के रिलीज और रिटेन प्लेयर्स का पूरा लिस्ट। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आरसीबी की टीम अपने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में क्रिस मॉरिस और शिवम दुबे का नाम जरूर इंक्लूड करेगी और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिस मॉरिस का प्राइस 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ के प्लेयर को रिलीज करने के बाद आरसीबी के पास मिनी ऑक्शन के लिए अच्छा खासा पर्स बैलेंस हो जाएगा और शिवम दुबे को इसलिए रिलीज करेगी क्योंकि शिवम दुबे का भी प्राइस लगभग 5 करोड़ है। तो इस वजह से इन दोनों प्लेयर्स को रिलीज करने पर आरसीबी के पास पर्स बैलेंस में 15 करोड़ का इजाफा होगा, जिस वजह से आरसीबी की टीम मिनी ऑक्शन में अच्छे खासे प्लेयर्स को परचेज कर सकती है और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को खरीदने के लिए आरसीबी के पास बेहतरीन पर्स बैलेंस जरूरी है। तो इस वजह से आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड से इन दोनों बड़े प्लेयर्स को पूरी तरीके से रिलीज कर देगी, हालांकि बाद में ऑक्शन के थ्रू इन दोनों खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर सकती है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि आईपीएल 2021 के सीजन में आरसीबी की टीम कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड करेगी और साथ ही साथ कौन कौन से प्लेयर्स को ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को पर्स मनी के बारे में बताना चाहूंगा। तो आईपीएल 2021 के सीजन के लिए आरसीबी के पास 25 से 30 करोड़ का बेहतरीन पर्स मनी होगा और इतने मनी में आरसीबी की टीम आराम से कई सारे दिग्गज प्लेयर्स को परचेज कर सकती है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी के ट्रेड प्लेयर्स के बारे में, यानी कि 21 जनवरी तक आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड कर सकती है। तो इस लिस्ट में जो पहला बड़ा नाम है वो आ रहा है क्रिस लिन का, जहां पर मुंबई इंडियंस के साथ आरसीबी का पहला ट्रेड हो सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है ग्लेन
मैक्सवेल का, और मैक्सवेल को भी आरसीबी की टीम ट्रेड कर सकती है, और तीसरा बड़ा नाम है डेविड मिलर का। तो इन तीनों प्लेयर्स को आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम ट्रेड करना चाहेगी। हालांकि इसमें से किसी न किसी एक प्लेयर को आरसीबी की टीम 100% ट्रेड करने वाली। इसके बाद बात कर लेते हैं आरसीबी के ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में आरसीबी की टीम बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बैट्समैन के बारे में। तो यहाँ पर आरसीबी के पास चार बेहतरीन विकल्प मौजूद है, जिसमें पहला बड़ा नाम है विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स का, दूसरा बड़ा नाम है विकेट कीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड का, तीसरा बड़ा नाम है विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय का, वही चौथा और सबसे बड़ा नाम है T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मलान का। तो इन चारों प्लेयर्स को आरसीबी की टीम टारगेट करेगी, जिसमें से किसी न किसी एक प्लेयर को आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में इंक्लूड करने में सफल रहेगी। और इनमें से कोई प्लेयर भी आरसीबी के पास आ जाता है तो आरसीबी का ओपनिंग और इसके साथ ही बैटिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आरसीबी के पास तीन काफी बेहतरीन विकल्प मौजूद है, जिसमें पहला बड़ा नाम है बेन कटिंग का। हालांकि बेन कटिंग लास्ट ईयर अनसोल्ड गए थे, लेकिन इस बार इस प्लेयर के ऊपर अच्छी खासी बिड लगने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन, जो कि 2 सालों के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर यूसुफ पठान। तो इन तीनों प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर के लिए आरसीबी की टीम टारगेट करेगी, और इन तीनों ऑलराउंडर्स में से किसी न किसी एक ऑलराउंडर को आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में 100% इंक्लूड करने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आरसीबी को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर आरसीबी का बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा फ्लॉप था। तो इस वजह से ये टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए दो काफी बड़े प्लेयर को टारगेट करेगी, जिसमें पहला बड़ा नाम होगा मिचेल स्टार्क का। हालांकि इस प्लेयर के ऊपर चेन्नई और इसके साथ ही कोलकाता की टीम भी टारगेट करने वाली है, लेकिन आरसीबी की टीम भी मिचेल स्टार्क को टारगेट करेगी और इस प्लेयर को किसी भी हालात में अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेगी। तो मिचेल स्टार्क अगर आरसीबी के स्क्वाड में आ जाते हैं तो इस टीम का डेथ बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं मुस्ताफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेशी लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं। तो इस प्लेयर को भी आरसीबी की टीम टारगेट कर सकती है। वहीं इस लिस्ट के तीसरे और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं श्री संत, जो कि काफी दिनों के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और केरल में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्री संत पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और वहां पर अगर श्री संत का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है तो आरसीबी की टीम बिल्कुल से श्री संत को टारगेट करेगी। तो फ्रेंड्स, यही था बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स का पूरा लिस्ट। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि आरसीबी का ओपनिंग डिपार्टमेंट किस तरीके का दिख सकता है। तो इस साल आईपीएल 2021 के लिए आरसीबी की तरफ से एलेक्स हेल्स और विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतरीन ओपनिंग विकल्प माना जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम यानी कि आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही में बिग बैश लीग के प्रेडिक्शन के लिए टोनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।